ग्रामीण विकास मंत्री रमेश चंद मीना का अजमेर दौरा। राजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की कार्यशाला में संवाद कार्यक्रम में लिया भाग। महिला एवं बाल विकास परियोजना जवाजा में कार्यरत CDPO हंसा जोशी के समर्थन में केंद्र की महिलाओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। CDPO हंसा जोशी पर केंद्र में कार्यरत दो महिलाओं द्वारा लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग। 5 साल बाद स्मार्ट सिटी द्वारा शहर के 6 स्थानों पर फ्री वाईफाई सेवा का शुभारंभ। आनंद सागर के आसपास 6 चयनित स्थानों पर 50 MBPS की स्पीड से मिलेगी फ्री वाईफाई सेवा। श्री ब्रेवरीज द्वारा पैक्ड एक्वा की 200 ml पानी की बोतल में निकला कचरा। उपभोक्ता डॉक्टर रमा गर्ग ने जताया आक्रोश, कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का बनाया मानस। आदर्श नगर थाना अंतर्गत विवाहिता के साथ दुराचार का मामला दर्ज। पीड़िता ने थाना क्षेत्र के रहने वाले 3 लोगों के विरुद्ध दर्ज कराया दुष्कर्म का मुकदमा। सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में वेकेशन बाइबल स्कूल का आयोजन। वेकेशन बाइबल स्कूल में भाग लेने वाले बच्चों को प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा और नैतिक मूल्य व सामाजिक शिक्षा की दी जा रही है जानकारी। आतंकवाद विरोधी दिवस पर जिला पुलिस ने दिलाई आतंकवाद से लड़ने की शपथ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के बेरोजगार अभ्यर्थियों ने RPSC के बाहर मांगी भीख। रिसफल व प्रतीक्षा सूची जारी करवाने की मांग को लेकर 31 दिन से धरना व 4 दिन से जारी है आमरण अनशन। नसीरबाद नगर पालिका अध्यक्ष शारदा मित्तलवाल के विरुद्ध पार्षदों का अविश्वास प्रस्ताव। नगर पालिका नसीरबाद के समस्त पार्षदों ने जिला कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के लिए सौंपा ज्ञापन। नो पार्किंग जोन में यहां वहां खड़े वाहनों को जब्त कर बनाए चालान। नगर निगम ने सदर कोतवाली थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए कई दुपहिया वाहन किए जब्त। गांव के बुजुर्गों को अज्ञात व्यक्ति की सेवा सहायता करना पड़ा महंगा। बुजुर्ग रामपाल के अज्ञात व्यक्ति आधा किलो वजनी चांदी के कड़े चुरा कर हुआ फरार। सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति के तत्वाधान में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ। राज्य भर से आई पुरुष व महिला वर्ग की टीमों के मध्य 2 की जगह 3 दिन होंगे मुकाबले। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 21 मई से 28 मई तक चलेगा यातायात सुरक्षा का विशेष अभियान। हाईवे पर 4 इंटरसेप्टर रहेगी तैनात। ओवर स्पीड और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। शाहपुरा कस्बे में दिखी कौमी एकता की मिसाल। हिंदू परिवार द्वारा नेत्रदान की घोषणा से प्रेरित होकर मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों ने किया परिवार का स्वागत। केटामाइन ड्रग्स तस्करी के आरोप में पुष्कर के श्री राम मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई। ड्रग तस्करी के मामले में अजमेर से ड्रग कंट्रोलर की टीम पहुंची जांच के लिए। क्रिश्चनगंज थाना अंतर्गत धोखाधड़ी के 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज। क्रेडिट कार्ड धारक को एनीडेस्क डाउनलोड कराकर 1.5 लाख रुपए उड़ाए तो वहीं पूर्व में बेची गई प्रॉपर्टी को दोबारा बेचकर हड़पे लाखों रुपए। RPSC के बाहर आमरण अनशन कर रहे अनशनकारी की तबियत बिगड़ी। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के रिसफल व प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर 31 दिन से धरना और 4 दिन से जारी है आमरण अनशन।